दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप, मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मुझे नहीं पता रियलमी क्या कर रहा है, बट जो सी सीरीज है उसमें यार कचरे की तरह पूरा भर दिया है। अभी सी टू कब का था, C1, C2, फिर C3, अभी नया आया, फिर C11 आया, फिर C15 आने वाला है जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है साउथ एशियन कंट्रीज ने। अब C12 कम से कम 4 से 5 सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे लॉन्च हुआ है, सर्टिफाइड हुआ है, तो वो भी आने ही वाला है कह रहे हैं। एंड कहा जा रहा है कि ये सारे स्मार्टफोन इंडिया आएंगे, मतलब जो C12 और C15 है तो आएगा ही आएगा, बाकी सारे तो आ ही चुके हैं, देखेंगे। क्योंकि C15 कहा जा रहा है 10-11 हज़ार के आसपास आएगा, C12 मेरे ख्याल से 8-9 हज़ार के आसपास होगा, मतलब हर एक हजार पे 2-2 फोन रखा है उन लोगों ने। ठीक है, क्या होगा स्मार्टफोन, कुछ चीजें पता चली हैं, कुछ 4 सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे लिस्ट हुआ है, सारी चीजें बताऊंगा इस वीडियो में, क्या हो सकता है, कैसे ये C11 से थोड़ा ऊपर होगा और C15 से थोड़ा सा नीचे होगा, किन चीजों में, लास्ट में वो भी बताऊंगा। चलते हैं फिर वीडियो की तरफ, देखते हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, वहां पे आंसर देता हूं, यहां पे नहीं दे पाता क्योंकि कमेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो कुछ के करता हूं कुछ के नहीं कर पाता। तो अगर आपको क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे जाके पूछिए, वहां पे श्योर मैं आंसर देता हूं। दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं क्या है रियलमी C12। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि नहीं पसंद आया। लेट्स गेट स्टार्टेड। रियलमी C15 अभी लॉन्च हुआ था साउथ ईस्ट एशियन कुछ कंट्रीज में, और कहा जा रहा है कि ये अगस्त खत्म होने से पहले आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा, और उसी के कुछ दिन बाद पॉसिबली सितंबर के एंड तक ये इंडिया में आ जाएगा C12 भी, एंड उसके पहले कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में लॉन्च होगा। तो मतलब सितंबर खत्म होते होते दोनों फोन आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। क्या डिफरेंस होने वाला है स्मार्टफोन, सबसे पहले बता दूं कि NTPC पे, उसके बाद चाइना क्वालिटी सर्टिफिकेशन वेबसाइट है वो है, देन उसके बाद KDN करके वेबसाइट है, फिर उसके बाद SDPPI करके वेबसाइट है, ये सारी वेबसाइट्स पे ये लिस्ट हुआ है सब जगह पे। एंड जो NTPC है वहां से पता चला है कि इसका जो मॉडल नंबर है RMX2189, उसका नाम जो है रियलमी C12 होने वाला है, ये NTPC से पता चला है, तो अच्छी चीज है, सारी चीजें मैंने यहाँ लिख के रखा है। एंड ये C11 से थोड़ा सा ऊपर होगा, C15 से नीचे होगा। सबसे पहले डिस्प्ले डिजाइन की बात करें तो आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपको C11 में मिलती है, यानी इसमें आपको 6.5 इंच का HD+ का 720x1540 रिजोल्यूशन वाला 20:9 के एस्पेक्ट रेशियो वाला 270 PPI वाला डिस्प्ले मिल जाएगा, जिसपे गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन होगा। रियर साइड पे जाओगे तो वहां पे थोड़ा डिफरेंस होगा, आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिलेगा और रियलमी की ब्रांडिंग होगी। पॉसिबली इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं आएगा, जो कि C15 में है बट C11 में नहीं है, तो इसीलिए C11 के क्लोज होगा, इसमें शायद आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को ना मिले दोस्तों। तो ठीक है, डिस्प्ले डिजाइन के हिसाब से स्मार्टफोन अच्छा होने वाला है। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, इसमें भी G35 का ही चिपसेट आएगा, ऑक्टाकोर है, अच्छी बात है, 12 NM पे बेस्ड है। G35 की बात करोगे तो वही पुराने वाले जो P22 में कोर्स यूज हुए थे, याद है A53 वाले, वही वाले यूज हुए हैं, इसमें भी 8 की 8 लेकिन 2.3 GHz पे क्लॉक्ड है, तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है, 110,000 के आसपास अंतुतु का स्कोर चला जाता है, अच्छी चीज है। पावर वीआर का GPU है, तो नॉर्मल थोड़ी बड़ी गेमिंग खेल लोगे, बहुत अच्छी हैवी तो नहीं कर पाओगे, लेकिन नॉर्मल गेमिंग कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड्रॉइड 10 के ऊपर आएगा, जो कि रियलमी UI के ऊपर होगा, तो परफॉर्मेंस जिस प्राइस रेंज में आएगा मैं कहूंगा बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन डिसेंट परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है दोस्तों। अब आते हैं कैमरा, यहाँ पे ये मैच करता है C15 से, 13+8+2+2 वाला क्वाड कैमरा इसमें आने वाला है रियर साइड पे, जबकि C11 में देखो तो ड्यूल कैमरा है। यहाँ पे आपको 13+8+2+2, 13 MP का प्राइमरी सेंसर होगा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा, 2 MP का मैक्रो लेंस होगा, 2 MP का डेप्थ सेंसर होगा, 1080 रिजोल्यूशन में वीडियो निकाल सकते हो, बोके पैनो में HDR सब कर लोगे, सारी चीजें मिल जाएंगी, फ्लैश होगा रियर साइड पे। फ्रंट साइड में 8 MP का कैमरा आने वाला है, जिसका अपर्चर F2.0 के आसपास ही होगा, जो होगा देखा जाएगा। देन वहां से भी आप 1080 रिजोल्यूशन में वीडियो निकाल सकते हो, बोके पैनो में HDR वहां से भी कर लोगे, लेकिन फ्लैश नहीं होगा वहां पे, तो ये जो C15 है उससे बहुत ज्यादा मैच करेगा कैमरा सेगमेंट में। अब आते हैं बैटरी में, तो यहाँ पे कुछ चीजें C15 वाली हैं, कुछ चीजें आपको C11 वाली मिलेंगी। बैटरी आपको C15 वाली मिलेगी, यानी 6000 mAh की बड़ी बैटरी होगी, अच्छी चीज है। चलिए अब C11 से क्या मैच करेगा, उसका 10 W का चार्जर, यानी इसमें 18 W का चार्जर नहीं आने वाला है, याद रखना, इसमें 18 W का चार्जर आपको नहीं मिलेगा, आपको 10 W के चार्जर से ही काम चलाना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा 6000 mAh की बैटरी 10 W के चार्जर से आराम से 4 घंटे जाएंगे, 4 घंटे आपके आराम से ले, तो रात भर आपको चार्ज करना पड़ेगा, आराम से 2 दिन यूज भी कर सकते हो, वो अच्छी चीज है। USB 2.0 का पोर्ट होगा, टाइप सी नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, लेकिन बड़ी बैटरी दे रहे हैं तो फास्ट चार्जर मेरे हिसाब से देना चाहिए था, लेकिन अगर फास्ट चार्जर देते तो फिर C15 से डिफरेंस क्या होता, तो वही डिफरेंस करने के लिए चार्जर कम कर दिया है। सेंसर्स की बात करें, बेसिक सेंसर्स आपको मिल जाएंगे, बट
बड़े सेंसर्स आपको नहीं मिलेंगे, जैसे जायरोस्कोप, फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये सब गायब रहेगा, वाइड बैंड L1 नहीं होगा। नॉर्मली एक्सेलेरोमीटर वगैरह सब तो जितने हैं वो सब मिल जाएंगे आपको, 3.5 mm जैक होगा, देन उसके साथ जितने भी बेसिक सेंसर जरूरी होते हैं ना वो सारे, प्रॉक्सिमिटी है, ये सब आपको मिल जाएंगे, उसमें कोई इश्यूज नहीं आएगा, सेंसर सारे होंगे। आई आर ब्लास्टर देता नहीं है, तो आई आर ब्लास्टर की बात नहीं कर सकते, वो तो खाली रेडमी देता है। तो जितने बेसिक सेंसर है वो सारे आपको मिल जाएंगे। स्लॉट की बात करते हैं, ऑब्वियसली इस प्राइस में तो डेडिकेटेड ही आएगा, स्मार्टफोन देती है, रियलमी तो सबसे ज्यादा देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वेरिएंट की बात करें तो इसमें पता चल रहा है कि मेरे हिसाब से कोई पता वता नहीं चला है, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि बेस वेरिएंट 3GB 32GB का होगा, जो कि आपको 8000 रुपये में मिलेगा, 3GB 32GB 8000, और 9,000-9,500 तक अगर 4GB 64GB आया तो मिल जाएगा, अदरवाइज बेस वेरिएंट मेरे हिसाब से, अगर क्योंकि C11 जो है आपको 7,500 में देता है बेस वेरिएंट, ये 8,500-8,500 में ये दे देगा, इससे ऊपर प्राइसिंग नहीं जाएगी। एंड 9,000-9,500 के आसपास आपका C15 आ जाएगा, जो कि वहां पे लॉन्च हुआ है, तो यही प्राइसिंग होगी मेरे हिसाब से, 8,000-8,500 इसके बेस वेरिएंट की। तो कंफ्यूज होगा, मैं कहूंगी C11 से अगर आप बात करोगे ना, तो इसमें आपको एक तो सबसे पहली बात है कि क्वाड कैमरा का सेटअप मिलेगा, एंड दूसरा 6000mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि अपग्रेड है C11 से। लेकिन C15 से अगर डाउनग्रेड की बात करोगे तो ऑब्वियसली इसमें 18W का चार्जर नहीं होगा, और पॉसिबली आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलेगा इसमें, अभी तक इतना पता चला है, मुझे लग रहा है कि फिंगरप्रिंट स्कैनर शायद इसमें ना है, देखेंगे वो तो बाद में पता ही चल जाएगा कि आता है कि नहीं आता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर बात करोगे तो दो अपग्रेड्स हैं C11 से और दो डाउनग्रेड है C15 से, एंड उनके बीच में स्मार्टफोन कहीं पे स्टिक होने वाला है दोस्तों, देखेंगे जैसे आएगा C12 बता दूंगा वैसे उसके बारे में। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, और हाँ इंस्टाग्राम पे अगर क्वेरी हो कुछ जाके पूछ सकते हो आप, मैं आंसर देता हूँ, एंड और भी बहुत सारे वीडियोस हैं देख सकते हो उनको। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद आया, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, बार बार यही बोल रहा हूँ, साइड में लगते हैं क्लिक करके सपोर्ट भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया करने से, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।